भाई बहुत ठंड है यहाँ पे। हम जीजू का वेट कर, जीजू में लेने आ रहे हैं यहीं पे, उसके बाद कंटिन्यू करते ट्रिप अपनी। गाइस लुक एट दिस, कितना सुंदर ये ब्रिज है। मुझे पता नहीं मुझे एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, वो नीतू बताएगी। ओए लखनीत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को इंतजार था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं USA। जी हाँ, जो मेरी टीचर ने लिखा USA, हम वही जा रहे हैं एंड हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है लखन। और लेकिन हेलो एवरीवन, मैं बस अभी लखन बोल दिया। हाँ भाई, एक्साइटमेंट में बोल सकते हैं। अपना सामान रखते हैं और उसके बाद अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। गाइज एयरपोर्ट पर जितनी लंबी लाइन है ना, लास्ट मैंने इतनी लंबी देखी थी जब जियो के सिम लॉन्च हुए थे, या फिर मैंने देखी थी आधार सेंटर के बाहर। मतलब इतनी लाइन आप देख रहे हो मेरे साइड में, कितने लोग लगे हुए लाइन में, और आई गेस इनका नंबर कम से कम एक घंटे में आएगा। वी आर लकी कि हमें दूसरे गेट से एंट्री मिल गई टाइम से और हम आ गए। इसीलिए भाई इंटरनेशनल फ्लाइट आपकी है, कम से कम 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँचो, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट मिस होने का दुख मैं तो कभी नहीं फेस करना चाहूँगा, ब्लॉक के लिए भी नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ नीतू बेस नितारा के साथ अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने, क्योंकि US में रोकड़ा नहीं चलता, वहाँ के लिए अपने को डॉलर्स लेने पड़ेंगे। गाइज यहाँ पर हम दोनों ने अपने अपने कार्ड से करेंसी एक्सचेंज करवा ली है। एंड एक चीज़ बताऊंगी, मेरा कार्ड जस्ट अभी एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि मेरा कार्ड खो गया था और वो ब्लॉक कर दिया था। हुआ कोई अपने आप नहीं हुआ, मैंने किया बोल। तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। हमने अपना कैश एक्सचेंज करा लिया है, अब हमारे पास डॉलर्स आ गए। अब हमें पैसों की भूख नहीं है, अब सिर्फ डॉलर्स की भूख है। क्यों नहीं तू, अब हमें पैसों की भूख नहीं, सिर्फ डॉलर्स की भूख है अगले 15 दिन के लिए। चलो अपना जल्द से हो जाएगा। तो हम भूल ही गए थे कि रोहित तो डोमेस्टिक इसको फ्लाइट लेनी है, हम इंटरनेशनल पे जा रहे हैं, इमिग्रेशन होगा अपना। बाय बाय भाऊ, मिलते हैं बहुत जल्दी। तुम लोग जानो, मेरी ख्याल रखना अपना, ठीक है। इन्जॉय करियो 15 दिन धमाकेदार, ठीक है। कुछ नया सा इनोवेटिव लेके आइयो हमारे पास, फ्रेश माइंड से एकदम। ओके अब हम चलते हैं अपना। बाय यार, बहुत बुरा लगता है इसको बाय करने में, बट यहाँ से चला जाएगा। अब ये जा रहा है ना हमारा इंटरनेशनल, तो मैं इमिग्रेशन कराना है पहले, क्या कर सकते हैं भाई। बाय, बट वी लव यू यार रोहित, थैंक यू सो मच। ये सभी लोग हमारी जान है, जितने भी है ना, चारों रोहित, तुषार, पुनीत, संडी भाई, चारों मतलब जान बस्ती में हमारे। इसका नहीं, तुषार का नहीं लिया मैंने, पर ऐसा हो सकता है मैं नाम ना लूँ किसी का। चल बाय बाय भाई, बाय रोहित। चलो अब चलते हैं यहाँ से, इमिग्रेशन कराना। हाँ हाँ सही में जा रहा हूँ, मजाक थोड़ी करूँगा देर से यार। नीतू तो हर चीज़ को इतनी बार क्रॉस चेक करती है मेरे से। तो अपना सिक्योरिटी चेक डन हो गया, अभी हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट होने में है करीब 40 मिनट्स, और एयर इंडिया बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए उन्होंने हमें लाउंज के पासेस दिए, तो 40 मिनट हम उधर ही स्पेंड करेंगे। खाने पीने को भी मिलेगा कुछ ना कुछ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ कैसा है लाउंज एयर इंडिया का। वैसे रात के 2 बजे मुझे लगता नहीं कुछ खास खाने को मिलेगा, बट वी नेवर नो, क्योंकि एयरपोर्ट तो 24 घंटे चलते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम तो किया होगा उन्होंने वहाँ भी। तो ये मिला है हमें लाउंज में। वैसे यहाँ पर वेजिटेरियन के ऑप्शंस हैं ठीक ठाक, शाही पनीर है, राजमा राइस है, नॉन वेज की भी ऑप्शंस थे, लिक्वर बहुत सारा है भाई यहाँ पे। तो मैं सोच रहा था लिक्वर मैं लेता नहीं, अगर लेता होता तो मेरे लिए फैंटेसी थी है ना, बट इट्स ओके। अब रात के 2 बजे कुछ हैवी नहीं खाऊंगा, सिर्फ ये खाऊंगा, फ्लाइट में भरपूर खाना मिलने वाला है क्योंकि अपने को। तू क्या लेके आई ये है? प्रोटीन पॉप्स। ओह गुड, मखाने। गुड गुड गुड, खा ले। सो फाइनली ये है हमारी सीट। यस, हमारा सीट नंबर है 14, वो वाली पे मैं बैठूंगा, इस वाली पे नीतू बैठेगी। अभी तक तो साइड में और कोई है ही नहीं, अभी आएंगे लखन, अभी आएंगे। ये क्या, पूरी मस्त रिक्लाइन हो जाएगी, पूरा बेड बन जाएगा, लेकिन नीतू चैन से सोने नहीं देगी तो मेरे को पक्का पता है। क्यों, मैं क्या करूँगी, तू मेरे पैर की छुरी। अरे माफी मत मांगे यार, वो शूज उतार रही है अपने, बहुत गर्मी है। तो अभी सबसे पहले आके मैंने अपना बैग खाली किया है, जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ट्रिप में, जैसे कि हेडफोन, लैपटॉप, आईपैड, वो सब निकाल दिया। और यहाँ सबसे अच्छा क्या, देखो चार्जर कैसे लग जाता है, चार्जर लगा लिया अपना इधर, नीतू का इधर, अब ऑल सेट। सोएंगे 6 घंटे बाद, हमें ऐसा बोला गया कि पहले 6 घंटे नहीं सोना आपको, क्योंकि 16 घंटे की फ्लाइट है, लास्ट के 10 घंटे सोना तो आप जेट लैग से बच जाओगे। अच्छी एडवाइस है अगर अप्लाई हो जाए तो। जैसे बताया गया कि सोना नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगी कि नहीं सो, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो गई, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमें लिए प्यारी प्यारी सी चप्पलें, तुम्हारी चप्पलें कहाँ भाई? मेरी चप्पलें वो जो तुमने पहनी हुई है, तेरी वाली उधर रखी है अभी। इसमें क्या क्या है? ओके, इसमें है चप्पलें, मुझे लगा इसमें सॉक्स होंगी, बिकॉज जब हम लोग यूरोप गए थे उसमें हमें सॉक्स मिली थी, टूथपेस्ट मिला था, ब्रश मिला था। यहाँ पर शायद लैंड करते टाइम मिलेगा अपने को। अच्छा, मे बी। ओके, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है चप्पलें मिली है, कंबल मिला है, और शू रखने के लिए। ओके, हमारे शू यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ और? मैं भी अपना सामान सेट करती हूँ। कर दे। यू नो गाइस, एक और चीज़, 16 घंटे की फ्लाइट है, तो मैंने क्या करा, इतनी सारी मैं मूवीज़, इतनी सारी मैं बुक्स, ऑडियो बुक्स डाउनलोड करके लाया हूँ,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 16 घंटे फ़ोन मेरा नहीं होगा, ऑफ रहेगा, तो मैं 16 घंटे ना अपने इंडियन कल्चर को लेके बहुत सारी चीज़ें पढ़ूंगा, बहुत सारे ऑडियो बुक्स पढ़ूंगा। और मुझसे पूछो मैं क्या करूंगी? क्या करेगी? मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगी। शाबाश बेटा। भाई इसका स्क्रिप्ट का कीड़ा अलग ही है, आपने देखा कैसे इसने मेहनत की 2-3 दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि 15 दिन की हम ट्रिप पे, तो 15 दिन का बैकअप बनाना था। मैंने अलग तरीके का काम, तुम्हारा पता नहीं ना कि तुम 15 दिनों को 20 दिनों को, मैंने बोला लखन के कि 10 दिन के लिए चलते हैं, नहीं ही 15 दिन यार मेरी ड्रीम जाएगा, डेली नहीं जाया जाएगा, मुझे इतना ही पता है, क्योंकि 6 महीने पहले यूरोप का ट्रिप था, अब यहाँ का, अब अगला पता नहीं कहाँ का होगा, लेकिन चाहो तो फिर खुल के भाई इंजॉय करो, इतना काम करते हैं क्यों। लेकिन सच में इस साल की हमारी सेकेंड एक्सपेंसिव ट्रिप है, जो कि हमने इमेजिन की थी सपने में कि हम लोग खुद कमाएंगे और खुद से जाएंगे। यार सच्ची बताओ, यूएस का तो बोलते ना एक सपना ऐसा हम देखते हैं जो हमें पता है कि नहीं होना, सच वो वाला सपना था मेरा, बट मुझे तो था कि होगा सच। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने पे यार। सो गाइस हमें मिला है नाइट वेयर, और हम मैं सच बता रही मैं सोच रही थी कि जब हम लोग 16 घंटे की फ्लाइट में हम लोग कैसे सोएंगे, ये अनकंफर्टेबल रहेगा ये वो, तो इन्होंने मुझे दिया स्मॉल साइज का, बट साइजेस पूछे थे, और लखन को मिला है मीडियम साइज। एंड एक और चीज मिली है ये किट, अब मैं इस किट के अंदर दिखाती हूँ आपको क्या है। सबसे अच्छी चीज देखो क्या है, टुमी का है, मतलब कितना एक्सपेंसिव ब्रांड है ये किट है ना, ये भी टुमी की है, और ये बहुत, मतलब ये ऐसी नहीं कि सिर्फ यहीं पे यूज करके छोड़ जाए, ये सच में काम आएगी। टुमी आपको पता है कितना एक्सपेंसिव ब्रांड है, उसके बाद भी एयर इंडिया का ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। लेट्स ओपन दिस वन। कुछ और चीज भी आई है, पहले हम वो ले लें। और ये बाद में कलेक्ट कर लिया जाएगी आफ्टर फ्लाइट, विच इज वेरी गुड, क्योंकि ले जाके भी क्या ही करेंगे लोग, अपना खुद का पर्सनल यूज करते हैं बाहर, लेकिन यहाँ पे ये है तो इट्स वेरी गुड, एयर इंडिया फैबुलस। वन मोर थिंग गाइस मैं दिखाती हूँ, इसके अंदर इन्होंने क्या क्या दिया है, तो आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट ये हमें दिया है आई मास्क, ये दिए हैं सॉक्स लखन सॉक्स, ये दिए टूथब्रश की किट, पेन, और आई थिंक ये फाइलर है, और ये मिला है यार ये लखन ब्रश है, ये क्या है, स्किन केयर किट है, ये फेस वॉश बॉडी वॉश, अरे यहाँ पर ना वॉशरूम जो होगा ना उसमें आप नहा भी सकते हो। और इन्होंने जो अपने अपने को ये दिया है ना नाइट वियर, तो ये तो ऑब्वियसली हम वॉशरूम में जाके ही चेंज करेंगे, तो वॉशरूम काफ़ी बड़े हो गए यार। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाउनलोडिंग पे लगा रखी है, जिसमें कि मैं माँ अवतार बाबा के बारे में और ज़्यादा डीप में पढ़ूंगा, सुनूंगा मतलब लोगों के एक्सपीरियंसेस। माँ अवतार बाबा के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ यार। इंस्पायर्ड मतलब इंस्पायर्ड इंसान तब होता है किसी की तरह बनना चाहता है, मैं तो उनकी तरह बन भी नहीं सकता कभी, बस एक एक और ड्रीम ये है कि कभी माँ अवतार बाबा मेरे को दिखे यार, मुझे मिलने आए, मैं इतनी बार उनको याद करते करते रो भी जाता हूँ कि मुझे कब दर्शन होंगे, बट इट्स गुड कि आज मैं और ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ अपने गुरु जी के बारे में। ये सारी वीडियोस डाउनलोडिंग में लगाई हुई है मैंने, उनको अब दिखेगी आपको। गाइस मैं भी ये सोच रही थी, और सच में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सपने ना बहुत जल्दी सच होते हैं, ये सब चीज़ें ना मैं अभी की काफ़ी साल पहले की बात बता रही, मैं देखा करती थी शोज में कि लोग फ्लाइट में जा रहे हैं फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास, और उनको ये सब मिल रहा है फ्री में, क्या आपने पैसे इतने दिए तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, बट वो चीज़ अब मैं भी कर पा रही हूँ यार, मतलब ऐसा होता ना मैं उस टाइम देख रही थी यार मैं भी ना एक बारी ना बिजनेस क्लास में बैठूंगी, बिजनेस क्लास में बैठ गए ओके, खुद पर इतना प्राउड फील होता है ना हर एक मुकाम को टच करने पर। और अभी अभी हमने ये भी देखा है कि हमारे लखनीत ब्लॉग्स पर 7 मिलियन हो गए, NBR जो नीतू मिश्रावत है वो YouTube पर उसमें भी 3 मिलियन हो गए, एक साथ हुआ है ये एक साथ, तो मतलब हर एक चीज जब भी हम टच करते हैं ना तो ऐसा लगता है यार कहाँ से स्टार्ट किया था कहाँ पहुँच गए, माय गॉड। सो थैंक यू सो मच, आपके प्यार की वजह से आपके सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं या इस जगह पर बैठे, थैंक यू। नाइट सूट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अभी हमारे मेन्यू हमारे पास आ गए, हमें फूड ऑर्डर करना है यहाँ से, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए भी है, और इन्होंने ये लिक्वर्स तो हम लेंगे नहीं कुछ भी, और लंच भी है, लंच कह रहा हूँ सॉरी हैवी मील। तो अब मैं अपनी वीडियो शुरू करूँगा, ब्रेकफास्ट कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, यहाँ पे मेन्यू आ चुके अपने पास, बाकी बॉक्स मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यार। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, एकदम इंडियन खाना है यहाँ पे हमारे पास,
अभी आपको लाइट्स फ्लिकर करते हुए दिख रहे होंगे क्योंकि मेरे को कैमरा की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। इंडियन यूरोप जो लाइट्स हैं उनकी सेटिंग अलग होती है और यूएस की लाइट्स अलग होती है। तो सारी फ्लाइट्स बोइंग और एयरबस दोनों यूएस की कंपनी है, इसलिए इनके अंदर जो लाइट्स फिटेड होती है ना वो भी वहाँ के हिसाब से हर्ट्स पकड़ते हैं। तो मेरे को इसको 100 FPS से हटा के इसको 120 FPS करना पड़ेगा, तब जाके फ्लिकर बंद होगा। तो मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी है, इसको दोबारा NTSC मोड पे डाल दिया जो कि अमेरिका में काम करेगा, क्योंकि अमेरिका में लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी वरना बहुत सारी। यहाँ पर नीतू का रोना तो बंद नहीं हो रहा अभी भी। मूवी बहुत अच्छी है यार, शाहरुख इसलिए लेजेंड है गाइस क्योंकि अपनी एक्टिंग से लोगों को प्यार में भी डालते हैं और मार भी देते हैं। यहाँ पर नीतू ने देखना स्टार्ट किया कल हो रहा हो और जब से देखे तब से रोए जा रही है। मैंने तो इसलिए लगाया था कि न्यूयॉर्क की शूटिंग है, उसकी थोड़ा सा अपने को आइडिया मिलेगा कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और ये तो रोए जा रही है। अब फाइनली हमारा लंच आ गया और लंच हम किस टाइम कर रहे हैं आपको दिखाता हूँ। क्या टाइम हो रहा है इस टाइम? ये देखो अंधेरे में आप लंच कर रहे हैं। हाँ ये लंच का टाइम है क्योंकि जेटलैग कह रहा हूँ, सॉरी टाइम जोन डिफरेंसेस है। नीतू को तो इंडियन खाना मिल गया, मैंने ओवर स्मार्ट बनकर ये मंगा लिया भाई, स्पिनिच और कुछ बड़ा फैंसी से लिखा हुआ था, वही ले आओ खाया नहीं जा रहा, दिक्कत ये है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नजर मेरी नीतू का खाने पर। So, हम लोग पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ से पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, हमें दिख रहा है। लगन कैसा लग रहा है न्यूयॉर्क आकर? अभी आए नहीं है, बस टच डाउन होने वाला है और मेरी ड्रीम सिटी। वाओ, यहाँ उतरते ही नीतू ने सबसे पहले वीडियो कॉल करा है अपने घर पे, और यहाँ देखो गुची और टैडी दोनों। हम पहुंच गए। सो गाइज हम लोग लैंड हो चुके हैं न्यूयॉर्क में, अपना सामान निकाल लेते हैं। 3 बैग्स हैं हमारे पास और ये सारा भी समेटना पड़ेगा अभी। सबसे पहले तो जैकेट मेरी भाई, ठंड बहुत है, -7 है यहाँ पे टेम्परेचर अभी। गाइज अभी हम इमिग्रेशन की लाइन में और ये लाइन है बहुत ज्यादा लंबी विद अ लॉट ऑफ लगेज। तो हमारा इमिग्रेशन हो गया और यहाँ भी सेम इशू वही है जैसा हमने यूरोप में फेस किया कि ट्रॉलीज फ्री नहीं है। ट्रॉली हमें चाहिए तो हमें $6 पे करना पड़ेंगे, इंडिया के हो गए कितने 6 × 80 ₹500, वेरी एक्सपेंसिव यार। यस बाहर आते मतलब पूरा बाहर नहीं आया अभी हम एयरपोर्ट के अंदर ही क्योंकि ठंड बहुत है, -7 टेम्परेचर है वहाँ पे। हमें रिकमेंड किया गया कि जब तक हमें जो लेने आ रहे हैं हमारे जीजू, मेरी एक दीदी और एक मेरे जीजू यहीं पर रहते हैं न्यू जर्सी में, तो हम उन्हीं के घर पर स्टे करने वाले हैं, वो एक अलग स्टोरी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ मुझे बोला गया कि जो यहीं पर लोग मिलते हैं ना टैक्सीज के लिए जो आपको अप्रोच करते हैं तो वो अच्छा खासा नेगोशिएशन हो जाता है। कभी आप आ रहे हो कि आपको कोई यहाँ रिलेटिव नहीं रह रहा, कोई आपको लेने नहीं आ रहा, तो आप अगर यहाँ से टैक्सी करते हो एयरपोर्ट से तो नेगोशिएशन अपना अच्छा करना हमेशा से, वरना फिर उबर जिंदाबाद। लेकिन yes. अभी हम बाहर नहीं गए और जीजू ने कॉल करके बोला बाहर बहुत ठंड है, बाहर तब तक मत आना जब तक मैं ना हूं। दूसरी बात है नीतू ने उतरते बोला इतनी तो ठंड नहीं है, इसे नहीं पता था एयरपोर्ट के अंदर है, हम बाहर जाते बेटा कुल्फी जम जाएगी कुल्फी, चले अब कुछ खा जाए। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इस तरफ दिखाओ। हाँ क्रिसमस के लिए सारी तैयारियाँ हो रही है। अच्छा तो है यार, सुंदर लग रहा है। ये वो लोग हैं जो आपको बताते हैं ना यहीं पे खड़े हो जाते हैं टैक्सीज के लिए अप्रोच करते हैं। तो ये डाइनर तो बंद है यहाँ पे, उधर से कुछ लेना पड़ेगा, डोनट्स वगैरह मिल रहे हैं वहाँ, वो हम खाते नहीं। भूख लग रही है? हाँ लग तो रही है। इतना तो फ्लाइट में खाकर आए हो, कहाँ खाया इतना? तूने तो अपने लिए मंगा लिए थे ना पराठे और वो, मेरे लिए तो कुछ अलग ही आ गया था, मैंने ज्यादा चालाकी करी। और तुमने राइस नहीं खाया था? चीज राइस थोड़ा सा लिया था मैंने यार, लगन पूरी प्लेट खत्म। भाई ये भी झूठ बोले, 16 घंटे की फ्लाइट है, उसको लग रहा है कि एक बार मैंने खाना खा लिया तो बस हो गया। 16 घंटे एक मील में आप चला सकते हो क्या? यहाँ पे ये मिल रहे हैं, इनको हमारे इंडिया में मिलता है कचरी बोलते थे, कचरी हमारे गांव में। इसको क्या हुआ? यहाँ पर खुद बिलिंग करनी पड़ेगी। ओह ओके, नहीं वो है ना पीछे, देखो ना सेल्फ चेकआउट पीछे भी है, लेकिन वो बैठे हुए हेल्प करने के लिए भी। तो मेरी नजर अभी गई है ये ओरियो के केक है, अच्छा बिस्किट नहीं है ये, वो भी $5 का, भगवान। तो अभी हमारे जीजू को आने में आई गेस आधा घंटा लगेगा, उससे पहले हमने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्नैक्स ले लिया, चिप्स कुरकुरे वाले नहीं मिलते, थोड़े से डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे, कुछ खाएंगे क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैंने एक वीगन अपने लिए सैंडविच भी लिया, या तो यहाँ पे चिकन है, नॉनवेज है, पॉक है, या फिर सीधा वीगन है, वेजिटेरियन अभी तक तो मेरे को नहीं दिखा। नीतू ने बिलिंग करा लिया है, आ जा नीतू, आ जा जल्दी आ जा। इधर कोई भी चेयर खाली नहीं है, सब लोगों ने कब्जाई हुई है तो अपने को यहीं बैठना पड़ रहा है, और से एक प्लेटफॉर्म टाइप का है पता नहीं किस चीज़ का। यहाँ बैठ के सबसे पहले सैंडविच खा लेता हूँ। गाइस जस्ट अभी हम बाहर निकले, ये समझो गेट से बाहर निकलते ही हमारी हालत टाइट होगी, इतनी ज़्यादा सर्दी है बाहर यार,
एयरपोर्ट के अंदर पता नहीं चला था, अब रियलाइज हो रहा है -7 किसको कहते हैं। वाह आप देखो भाई बहुत ठंडा है यहाँ पे। हम जीजू का वेट कर, जीजू में लेने आ रहे हैं यहीं पे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ट्रिप अपनी। बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे गाइस, ट्रस्ट मी मेरे हाथ बिल्कुल जाम हो गए। लखन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, स्वाद आया? सबसे अच्छा इसलिए लग रहा है जीजू आ गए। सॉरी गाइस मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा, हाथ बाहर नहीं निकाले जा रहे मेरे से। हमारे जीजू आ चुके हैं, जीजू आ गए। जीजू कौन से कलर के कार है? वाइट। जीजू आ गए हैं और लखन की हालत हो गई है खराब। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? बहुत ठंड है। जीजू जीजू प्लीज प्लीज मैं रख दूंगा यार। नीतू तू ये पकड़, तू पकड़, तू ये पकड़ ले, मैं रख दूंगा अपने आप। ओके लखन तुम ड्राइव करने वाले हो? हाँ नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला। जीजू कुछ खाने के लिए लेने गए शायद मेरे लिए। गाइस सच बता रही हूँ मैं फ्रीज हो गई। मेरे मैंने कपड़े बिल्कुल ठीक पहने, बहुत सारे वार्मर्स पहने, अंदर वार्मर्स पहने मेरे। क्यों इतना फंबल कर रही हूँ क्योंकि जबान भी ऐसी ठंडी हो गई, पर मेरे हाथ बिल्कुल जाम हो गए। तो यहाँ पर आपके ना कोई, ना आप नेल्स दिखा सकते हो पिक्चर्स में, ना आप अपने रिंग्स दिखा सकते हो, आपको ग्लव्स पहनने ही पड़ेंगे। तो जितने मैं दीदी की ड्रेसेस लेकर आई थी ना कॉस्ट्यूम काउंटी की, आई डोंट थिंक मैं पहन पाऊंगी उसको। हाँ लगन तुम्हें क्या लग रहा है, पहन पाऊंगी मैं दीदी की ड्रेसेस? अब पता नहीं, नहीं पहन पाएगी यहाँ, अब थोड़ी जान आई है मेरे अंदर। तो आप लोगों ने वेट किया होगा 1-1.5 घंटे? नहीं नहीं हमें पता ही नहीं चला, हम थोड़ी देर बस यहाँ के बैठे, थोड़ा चिप्स विप्स खाए, तब तक आपका कॉल आ गया था। और एक तो ये फोन मेरा काम नहीं कर रहा। ने क्या पूछा? गाइस एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, वो नीतू बताएगी। क्या हुआ नीतू? लगन ने चिप्स खाए और ऐसे ही रख दिए, वो सारी कार में गिर गए। कोई बात नहीं भाई, क्लीन कर दूंगा। तो क्लीन करने जीजू ने बताया कि यहाँ अभी जीजू मेरे को उतरते वैक्यूम क्लीनर देंगे। हैं जीजू? मैं यार जीजू कुछ काम नहीं करने दे रहे यहाँ पे। जीजू ये ठीक नहीं है, आप अगर तुम्हें काम करना है, घर है मेरा। नहीं मैं तो घर में तो घर की तरह रहूंगा भाई, गेस्ट नहीं हमारा तो घर है जीजू। आप गेस्ट बोलोगे तो देखो मैं कहीं और चला जाऊंगा, पोस्टर ब्लैकमेल करूंगा मैं जाके। तो पहले बता दे फिर वो झाड़ू पोछा कराए साक्षी। शिट वाओ, और जीजू ने मुझे इतनी सारी चीजें बताई अभी। कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगी। लेकिन मेरा ना दिमाग खुल गया आके बाहर, और फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इंडिया को और यहाँ, जबकि नहीं करना चाहिए ऐसे। तो हर किसी की अपनी अपनी खूबी, अपनी अपनी खामियां हैं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ठीक है मैं उधर ज्यादा ठीक हूँ। गाइस लुक एट दिस, कितना सुंदर ये ब्रिज है। ये जो क्या नाम है इसका, सॉरी मैं प्रोनाउंस तो नहीं कर पाऊंगा इसको, एक आध साल लग जाएगा प्रोनाउंस करने। जीजू ने नाम ही ऐसा बोल दिया। क्या नाम बोला जीजू आपने दोबारा बोलोगे? ब्रांजो। ब्रांजो आपको अपनी टंग ट्विस्ट करके बोलना पड़ा, ब्रांजो। अब ठीक लग रहा है जीजू? हाँ ब्रांजो ब्रिज। ओके तो अभी हमारी 56 मिनट्स की जर्नी और है, उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा हमारी दीदी के, और साथ ही छोटे छोटे दो बहुत नटखट से किड, छोटे बच्चे स्कूल गए हैं। अच्छा सॉरी, वो स्कूल शाम को मुलाकात होती है, उनसे शाम को मुलाकात होगी। तो ये ब्रिज जो है कि मल्टी लेवल है, हमारे ऊपर भी कार्स जा रही है। ओके और जहाँ पे हम जा रहे हैं ये एक लेवल, ये है तो लेवल वन और लेवल। तो ये वही ब्रिज है जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। इसके नीचे भी है? नहीं इसके नीचे नहीं है, जो टू लेवल है, एक तो अपर लेवल है, एक ये नीचे वाला लेवल। अच्छी चीज है। तो अब आप लोग राइट यहाँ से हटसन दिख रहा है, आपको स्काईलाइन दिखने लगी। देखो यहाँ से हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिख रहा है, और ये हॉटसन रिवर दिख रहा है, ये पूरा इसने न्यूयॉर्क को घेरा हुआ है। सिटी पार्क नहीं दिखेगा यहाँ से, है ना? अगर आप अगर लोकेट कर पाओ तो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही होगी, ब्लू ब्लू सी। देखो जी मेरे को तो दिख रही है, दिख रही है ब्लू। हाँ सॉरी गाइस जूम लेंस नहीं है तो आपको अभी नहीं, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन मेरे को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख भी रही है। हाँ तो दिख नहीं तेरे को भी? दूर से देख रहे हैं तो वो इंपैक्ट नहीं आ रहा अभी। हाँ लेकिन जब पास से देखोगे तो इंपैक्ट आएगा। लेकिन जी कुछ ज्यादा ब्लू नहीं है, मुझे ऐसा नेवी ब्लू टाइप का कलर लगता था, स्काई ब्लू लग रही है अभी देखने में। अभी जो पास जाओगे थोड़ा डार्क हो गया, सन की वजह से मुझे लगता था। अभी लाइट्स ऐसी पड़ रही है कि हमें वो एकदम स्काई ब्लू लग रही है। तो अभी नीतू ने बोला कि धूप देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा है। जीजू ने फिर मुझे बताया कि ये धूप सिर्फ देखने की दिखावटी धूप है, हमारी तरह नहीं है भाई वहाँ पे। क्योंकि अभी मेरे को याद है एयरपोर्ट पे जब हम उतरे ना, तो नीतू ने देखा कि लखन देखो यहाँ -7 degree टेम्परेचर था, लेकिन धूप निकल गई। तो मुझे भी लगा भाई धूप निकल गई, अपना सब सॉर्टेड है। जब बाहर आए तो आपने देखी हमारी हालत क्या थी। तो जीजू यहाँ धूप का असर नहीं पड़ता कुछ भी, यहाँ की दिखावटी धूप है भाई। देखो अभी जीजू ने बताया कि दीदी ने कुछ सामान जो यहाँ पे भेजा है ना, तो जीजू ने यूट्यूब पे देखा कि नीतू चाय नहीं पीते तो रस साथ में भेजे, मतलब भाई अल्टीमेट। हाँ। बहुत सारी चीजें भेजी हैं, इसमें सैंडविच भेजे हैं,
आपने कुछ खाया नहीं होगा ना वैसे अभी तक? नहीं, मैं चाय पी के आया। हाँ तो आप भी लो। तो मैं पी के आया यार। जीजू चाय से क्या होता है? तो आप घर चल के खाएंगे जो ब्रेकफास्ट? तो कुछ किया ही नहीं ना पहले। तुम लोग खाओ यार, तुम लोग इतनी लंबी फ्लाइट से आए हो। जीजू खाते सोते आए हम तो। कंटिन्यू ऑन नैरोस रोड नॉर्थ 3/4 of a mile। हां खाना स्टार्ट करना, यहां रख लेना तुम लोग। जीजू आप भी खाओ लेकिन साथ में तभी। और तुम लोग लो तो सही। ये यहाँ के घर देखो आप लोग एक बार। लाइए लीजिए जीजू। नहीं आप लोग जीजू प्लीज लीजिए। खा चुका हूं सच में, खा चुका हूं। अच्छा एक ले लीजिए बस। जीजू ले लो, बीबी भी देखेंगे वीडियो। गाइज आपको पता है मैंने चाय छोड़ दी, चाय ने मेरे को नहीं छोड़ा। अभी भी ऐसा ही हुआ कि दीदी ने चाय बना के भेजी हुई है और मैंने मना कर दिया पहले, लेकिन जब बीजू ने चाय ली ना, जब मेरी मैंने वो खुशबू सूंघी तो अब मैंने इंदू को बोला एक कप मेरे को भी दे दे। बनाया तो ले। थैंक यू। तेरे को थैंक यू बोलो, दीदी को थैंक यू बोलो, दोनों को थैंक यू। गाइस सो सॉरी। अभी देखो ये फैक्ट्री चल रही है, ये पावर प्लांट है। अच्छा ये पावर प्लांट है, इसमें से धुआं निकल रहा है आप देखो। और नीतू ने भी चीज से क्या बोला, ये क्लाउड बन रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। सारे क्लाउड यहीं से बन बन के आए। हे भगवान नीतू तू एंड कर देती कभी कभी यार। अभी नीतू यहीं से बन के जाते हैं। Use the left two lanes to take exit 3. ओह वाओ बड़ी सुंदर जगह है। अब हम शायद आ चुके हैं न्यू जर्सी में और हमारी दीदी को कॉल कर दिया जीजू ने, बता दिया है कि हम पहुंच गए। लेकिन जगह बड़ी सुंदर लग रही है। क्या नाम है जीजू इसका? ये बेटा ये न्यू जर्सी में, ये प्रिंसटन एरिया है। प्रिंसटन, वाओ। वेलकम होम गाइस, ये हमारा घर है यहाँ पे। वाओ हमारी दीदी अभी आपको देखने को मिलेंगी। हमारी दीदी ने कुछ किया हुआ था अभी। ओके करते हैं। वेलकम टू योर अनदर हाउस। हाय दीदी, आप तो और अंग्रेजन लग रही हो अभी यहाँ के। ओ माय गॉड, ये क्या कर लिया। शिट। हेलो दीदी। हाय दीदी। हेलो जी। हाय यूएस। थैंक यू। हमारी दीदी बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। मैंने कहा था ना अंग्रेजन दीदी हमारी। दीदी थैंक यू। दीदी बहू है आपकी, आशीर्वाद नहीं दे रही उसको? तुम्हारे दीदी के बहुत सुना है, जिस भी घर में पैर डलते हैं लक्ष्मी बढ़ती है। खाया नहीं है बिल्कुल, झूठा करना होता है मुँह। 5 मिनट पहले आ देना तो एक काम अच्छा रहता। दीदी आप बताओ ना आपने क्या किया था 5 मिनट वाला, सुन सुन के मुझे एक्साइटमेंट हो गई है। बताओ ना प्लीज। मैंने मेरा काम खराब कर दिया। ओह शिट यार। दीदी आप कितनी स्वीट। दीदी पता है जीजू ने एक भी बैग नहीं रखने दिया, सारे बैग खुद रखे हैं। जीजू का जिम करा दिया सुबह सुबह हमने। अच्छी बात है, आज इनका मिस भी होगा ना। अच्छा दीदी कह रही है कोई बड़ी बात थोड़ी, आप एक बार बैग देखना अभी अभी आपको रिलायंस होगा। जीजू ने आज कितना एफर्ट लगाया हमारे चक्कर में। यार ये मेरे देखो, ये मेरे जितना मैं पहनती हूँ, ये मेरे जितना नहीं पहन पाते, नहीं उठा पाते। क्या बताएंगे ये? वेट हुँ? क्या बात कर रहे हो आप? इसका नाम मैंने बताया। वी हैव अ कुली। हनुमान जी बोलता हूँ मैं। कुली इन द हाउस। कुली हनुमान जी। कुली हनुमान जी। जीजू प्लीज जीजू प्लीज जीजू प्लीज अब नहीं अब नहीं अब ब्रांड यार। नहीं नहीं प्लीज। हाँ तो ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे ना। जीजू नहीं यार, मान जाओ प्लीज आप। सही शिट। वाह नीतू वाह, देख रहा कितनी बड़ी बड़ी बात कर रही थी। जीजू को नहीं करने देखो, अंदर भाग गई। शिट गाइज, ये वो मैस है जिसके बारे में अभी नीतू ने आपको बताया था। बट अभी वैक्यूम क्लीनर लाते हैं अंदर से। बट कितनी सुंदर सोसाइटी है आप देख सकते हो, ये कॉलोनी है यहाँ की। नीतू वो देख, चिप्स कितने सारे गिर गए यहाँ पे यार। लेकिन ये तो पता जीजू ऐसे भी साफ हो जाएंगे अभी। नीतू सुनना, दीदी से वो वैक्यूम लिया यार, वो चिप्स में अभी हटा दूंगा ना वहां से। दीदी वो चिप्स बिखर गए गाड़ी में, कुछ मुझे वैक्यूम वगैरह दे दो। मैन दो तो सही, सुनो ना गाड़ी में स्मेल हो जाएगी। मैन प्लीज दो ना। अरे आराम से पहले बैठ लो यार। अरे नहीं, लाओ जीजू लाओ जीजू लाओ जीजू। हां हो जाएगा, बैठो आराम से बैठो। दीदी आप क्यों नंगे पैर घूम रही थी बाहर? अरे नीतू अंदर आओ। अरे नीचे रूम में चल रहा है दीदी, चल रहा है। पेड़ों से चल रहे चले 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 तो
दीदी तो कितनी सुंदर जगह है, देख लो। सच्ची मेरे को नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि न्यू जर्सी ऐसी होगी। हाँ मान गया मैं, हमें इधर आना है। हाँ ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। ओ ब्यूटीफुल रूम गाइस, आप ले लो हमारा रूम टूर। वाओ यहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग करूंगा। वाओ दीदू वाओ। ओ देखो दीदी ने कितने कायदे से स्लीपर्स लगा के रख रखी है। वाओ दीदू वाओ। दीदी कुछ भी, और वैसे वैसे हमने खा लिया, मैं बनाऊंगी अभी आराम से बनाना आज। नहीं मैं थकी नहीं हूँ, सच में करने मुझे पता नहीं थे, मुझे पता है। दीदी हम सोते हुए आए थे तो अभी तो खाते हुए हैं, जीजू ने खिला दिया, अभी तो कुछ भी नहीं। तुम पहले कार क्लीन करो, चलो। हाँ चलना चलो। दीदी वैक्यूम दे दो ना बेन प्लीज, बेन ऐसे मत करो यार। दीदी देख लो हमारी कार ऐसी ही रहती है, बस कार है ना। ये क्या, घर में चार लोग, कितना बड़ा घर ले रखा है। हाँ अभी कर रहा हूँ ना, आ जा जा। अरे मैं कर दूंगा। अरे वैक्यूम है, कार में वैक्यूम है। ओ इसका, इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी भाई अलाप जलाने की। दीदी क्या बोलते हैं अलाप को इंग्लिश में? फायरप्लेस। इतना सिंपल वर्ड, इसको क्यों मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये हमारी आरती की थाली। होम, अब आप पूरा होम टूर करो। ओ माय गॉड, ये शॉपिंग मॉल है। हाँ kind of. दीदी पूरा एरिया अपना है ये, बिल्कुल अपना ही है। हे भगवान, हम नीतू रहना पसंद है ना। वाओ अपना शहर बना लिया यहाँ पे, छोटी कॉलोनी तो यही है। दीदी बहुत अच्छा, ये अच्छा लगा देख के भाई। हमारी दीदी कहीं पहुंच जाए, वो जो अंदर का इंडियन है ना। प्लॉट काट रहे, पहला प्लॉट लखनऊ और नीतू के लिए काट रहे। जीजू और कट रहे क्या अभी यहाँ पे? नीतू इसी में, इसी में। नीतू आ जा इधर आ, तू करती हुई पहले ये देख, इधर आ एक बार एरिया देख कितना। यहाँ देख उधर भी है अभी, और आ मेरे साथ आ। ऐसे ही हमारा एक ब्लॉग, ये पूरा अपना है। हाँ ये पूरा अपना है। वो फेंसिंग जहाँ तक हो रही है दीदी, उसमें कौन रहता है? स्टोरेज है वो, वैसे स्टोरेज के तौर पर। ऐसा हॉलीवुड मूवीज में देखा है हमने, इतना क्लीन रखा है घर को यार। और अकेले यहाँ तो खुद काम करना पड़ रहा है हमारी बहन को। वाह जीजू ये क्या अंडरग्राउंड पार्किंग है इसमें? अच्छा गाइस आप लोगों ने देख लिया, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सो गाइस मिलते हैं अब कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। ब्लॉग को लाइक करना मत भूलना। दीदी का होम टूर तो हो चुका है वैसे, लेकिन अभी डिटेल में सारे आपको कल दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अभी बस थोड़ा सा फैशन अप होके नया ब्लॉग स्टार्ट होगा फिर। बाय बाय, लाइक करना मत भूलना। आई लव यू ऑल।